हेलो, कैसे हो आप सभी। पहले मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं राहुल जाना, और जिस बारे में मैं आज आप सभी से बात करने वाला हूँ वो बात आप सभी से जानते भी होंगे कि आज की डेट में हमारा इंडिया पीछे क्यों। और इस इंडिया को पीछे करने वाले कोई और नहीं, हम सब इंडिया वाले ही। ऐसा क्यों कि आप सब लोग इसके क्यों खाते भी इंडिया में, रहते भी इंडिया में, घूमते भी इंडिया में, पर हम अपने घर घर के आसपास जापान देश को क्यों प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकल को ज़्यादा बढ़ावा नहीं जाता। इस वजह से आज हम अपने इंडिया के अंदर इंडिया के बनाए हुए प्रोडक्ट को नहीं यूज़ कर पा रहे, बजाय चाइना के, जापान के। और ऐसा जब होगा जब अपने इंडिया के अंदर इंडिया टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा दे, थ्योरी की कम बढ़ावा दे, तो आज हमारा इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पे होगा। और ये सब मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला, आप सबको मिलकर मेरा साथ देना पड़ेगा और ये कदम बढ़ाना होगा। और जो बात आप आपको बताऊंगा अभी, वो बात आप सभी से जान के हैरान होंगे कि हमारे इंडिया के अंदर 45% लोग जो अपने एजुकेटेड हैं वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ थ्योरी को बढ़ावा दिया है, ना उन्होंने अपने अंदर के टैलेंट को बचाना है, ना टेक्नोलॉजी को, ना प्रैक्टिकल्स को। अगर वो अपने अंदर के टैलेंट और टेक्नोलॉजी को जानते हैं तो वो जरूर अपनी लाइफ में जरूर सक्सेस पाते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर स्कूल में बच्चों क्या सिखाते हैं कि थ्योरी करो, थ्योरी करो। अगर हम अपने इंडिया के अंदर बच्चों के टैलेंट को जाने, अगर वही टैलेंट हम अपने बच्चों के टेक्नोलॉजी पर लगाए, तो आज हमारा इंडिया यहाँ पे, अगर हमारा इंडिया वहाँ पे। और लास्ट में मैं आप सभी से ये बोलूंगा कि हमें अपने इंडिया को मेक इन इंडिया बनाना होगा, मेड इन इंडिया बनाना होगा, और हमें अपने देश को उज्ज्वल बनाना होगा। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।